नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान की टेढ़ी पूंछ काटनी होगी। पाकिस्तान द्वारा सीमा पर लगातार की जा रही गोलीबारी से नाराज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर मोदी सरकार की पाक नीति को लेकर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पाक की पूंछ टेढ़ी है और ये पूंछ काटनी होगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत कर भारत माहौल को सुधारने की कोशिश कर रहा है, पर पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। जब जब हम पाकिस्तान से बातचीत करते हैं तब तब गोलीबारी जारी रहती है। उसकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी है और ये पूंछ काटनी होगी। मोदी में हिम्मत है और वो हिम्मत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला करे। गौरतलब है कि पाकिस्तान से बातचीत को लेकर शिवसेना का रुख हमेशा विरोधी रहा है। एलजी ने स्वाति मालीवाल को दफ्तर आने से रोका। आप सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच फिर से टकराव पैदा हो गया जब आप सरकार ने दिल्ली महिला आयोग के प्रमुख के तौर पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति रद्द करने के जंग के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। उधर स्वाति ने दावा किया कि उपराज्यपाल ने उनसे कार्यालय न आने के लिए कहा क्योंकि वहां बंद रहेगा। स्वाति ने ट्वीट किया कि उपराज्यपाल ने उन्हें बुलाकर कहा कि वह कार्यालय न जाए और उनकी सभी फाइलें वापस ली जा रही है। जंग के कार्यालय ने हालांकि उनके दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि उपराज्यपाल इस तरह के बेबुनियाद आरोपों से दुखी है। स्वाति ने कहा कि वह इस संबंध में सरकार के अगले आदेशों तक DCW प्रमुख के रूप में काम करती रहेंगी। इसके पहले आप सरकार ने कहा कि स्वाति से पद से हटने के लिए नहीं कहा जाएगा और उनकी नियुक्ति बनी रहेगी। हालांकि स्वाति ने स्वीकार किया है कि उनकी नियुक्ति में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हुई है। नच बलिए के प्रस्तोताओं से मांगी फिरौती। डांस रियलिटी शो नच बलिए के दो प्रस्तोताओं से फिरौती की रकम मांगने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान अमित बारिक के तौर पर की गई है। उसे अपराध शाखा के फिरौती रोधी प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने ओशीवारा से 15 लाख रुपए स्वीकार करने के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बारिक ने टीवी शो नच बलिए के प्रस्तोता ऋत्विक धनजानी और करण पटेल की आपत्तिजनक तरीके से कुछ नेताओं के ऑफ स्क्रीन नकल उतारते हुए रिकॉर्डिंग कर ली थी। उसके बाद उसने आर्य कॉलोनी थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। DCP धनंजय कुलकर्णी ने कहा कि मामला दायर करने के बाद बारिक ने दोनों को धमकी देना शुरू कर दी कि अगर उन्हें 25 लाख रुपए नहीं दिए गए तो वो मीडिया को वीडियो जारी कर देगा।